नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा मनोचिकित्सक, मैं प्रयागराज से मनोचिकित्सक हूँ। आज मैं आपको कुछ कोविड के एक्सपीरियंसेस बताना चाहता हूँ। मैं कोविड के बारे में पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं 10 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हो गया था। मैं और मेरे माता पिता, जिनकी उम्र मेरे माता पिता की उम्र लगभग 75 और 76 साल की है, वो भी मेरे साथ पॉजिटिव हो गए थे। बट यहाँ तक ये देखा जाए कि आज की डेट में अगर कोविड पॉजिटिव की मैं बात करूं तो लोग कोविड का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। सबके दिमाग में एक घबराहट सी जैसी बन जाती है कि मुझे कितनी बड़ी बीमारी हो गई है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि पहले तो इस बीमारी से घबराना नहीं है, क्योंकि ये बीमारी से अगर हम, मैंने बोला कि मैं मनोचिकित्सक हूं, पहले तो मैं अपने आप को मतलब दिमाग से इतना स्ट्रांग रखना है कि हमको इससे घबराना नहीं है। मैंने इस बीमारी में कुछ नहीं किया, जो प्रोटोकॉल था मैंने उसको प्रॉपर फॉलो किया। सारी दवाइयाँ मैंने अपने माता पिताजी को दी और घर में रहे, 15 दिन पूरे घर में रहे। उसके बाद दोबारा मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई, फिर 20 दिन तक मैं घर में रेस्ट किया। सेम मैंने अपने माँ बाप को भी फॉलो कराया, मैं बिल्कुल घबराया नहीं। पल्स ऑक्सीमीटर ली, उनसे 2 से 3 बार उनका मैं जांच करता रहा और उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाइयां देती रही। और ब्लड प्रेशर, चूंकि मेरे फादर और मदर दोनों हाइपरटेंसिव हैं, तो उनका जो है एक ब्लड प्रेशर भी बराबर मैं चेक करता रहा। उस कंडीशन में थोड़ा सा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, और मैं उनके पास बैठ के उनको भी ये चीज़ें बताता रहा कि घबराने की बात नहीं है। और सच कहूँ तो वो भी बिल्कुल घबराए नहीं और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बस सब कुछ किया, रात को दूध और हल्दी, दिन में थोड़ा सा दूध हल्दी, प्रॉपर खाना, खाने में हरी सब्जियां दी और साफ सुथरे सैनिटाइज किया उनको, नहाना धोना। प्लस साथ में अगर मैं बोलूँ तो मैंने वो सारे चीज़ फॉलो किए जो सारे चीज़ें आपको पता हैं। बट अगर कुछ पता नहीं है आपको तो एक ये पता नहीं है कि कोरोना से जो दिक्कतें आ रही हैं, जो डेथ्स हो रही हैं, वो ज़्यादातर हमारे दिमाग को सोचने की वजह से हो रही हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो हेडक होना, फीवर होना, लूज मोशंस आने, कफ होना, कंजेशन होना और वीकनेस होना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, मुझे जस्ट हेडक हुआ था और वीकनेस आई थी। चूंकि मैं क्लोज कॉन्टैक्ट में था इसलिए मैंने अपनी जाँच कराई। जब मैंने अपनी जाँच कराई तो पॉजिटिव आया और मेरे मदर फादर वो दोनों मेरे साथ पॉजिटिव आए। तो मेरा कहना ये है कि हमको प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर अपने आप को देखभाल करना है। हमको कोरोना नामक बीमारी से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। हमको मानसिक रूप से अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है कि अगर हम जितना अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे उस हिसाब से हमको बीमारी टच भी नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर हमको सेकेंडरी इन्फेक्शंस है, हमको डायबिटीज़ है, हमको हाइपरटेंशन है, तब थोड़ा सा घबराने की बात है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर कंजेशन हो गया है तो हम एक सीटी थोरैक्स करा सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो डी डाइमर और CRP का इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। उस हिसाब से हम अपने फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं। बाकी सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता है। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि मानसिक रूप से अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है। ये पहली लहर बीत गई, दूसरी लहर आई, अब तो न्यूज में चल रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तो कोरोना को खत्म करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है तो लॉकडाउन का प्रॉपर फॉलो करना है। हमें घर के बाहर नहीं जाना है। जरूरत हो, बहुत ही जरूरत हो, अगर हमको घर से बाहर निकलना है तो उस केस में हमें घर से बाहर निकलना पड़ सकता है तो निकल सकते हैं। बट उसको जब हम घर से बाहर से वापस आएंगे तो पूरे तरीके से बाहर के कपड़ों को हम बाहर रख देंगे, अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, नहाएंगे, नहाने के बाद जो भी सामान हम लेके आए हैं तो उसको हम प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम मार्केट में बात करें तो लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ब्लैक मार्केटिंग हो रही हैं। जो भी पल्स ऑक्सीमीटर या दवाइयाँ सब आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं और आपको महंगे रेटों पे मिल रही हैं, तो उसमें ज़रा से भी पैनिक होने की बात नहीं है। आजकल गवर्नमेंट हर चीज़ों के लिए आपको फैसिलिटीज़ दे रखी है। आप नंबर है, DM का नंबर है, सारी नंबरों पे आप बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये इतने रेट की बजाय इतने रेट में मिल रही हैं और हमको अननेसेसरी की किसी भी टैबलेट और इंजेक्शन के पीछे नहीं भागना है। हमको मानसिक रूप से अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, इतना स्ट्रांग कि हमको बीमारी छू भी ना पाएगी।